नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी अपडेट। तो आज का यह वीडियो राजस्थान के सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके एडमिशन और परीक्षाओं को लेकर। तो दोस्तों साथ ही में जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है PC त्रिवेदी, उनका भी बड़ा बयान आ रहा है आपकी परीक्षाओं को लेकर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, आपको न्यूज़ की पुष्टि के लिए बता दूं, ये दैनिक भास्कर का ई पेपर है, जयपुर 14 अगस्त 2021, यानी कि ये आज ही का ई पेपर है। इसी के बाद दोस्तों आपको यहां पर सभी को मैं बता दूं, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि 12वीं के रिजल्ट ने बिगाड़ा कॉलेजों में प्रवेश का गणित, राजस्थान बोर्ड 2.25 लाख छात्रों के 90% अंक, कॉलेजों में सीटें 1.91 लाख, यानी दोस्तों 90% अंक है, यानी 2.25 लाख छात्रों को एडमिशन लेना है लेकिन सीटें केवल 1.91 लाख ही सीटें बाकी है। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो आंकड़ा है, मतलब कि 2018 से लेकर 2021 तक वो किस प्रकार से रह रहा है वो भी बताने वाला हूँ, और इसी के नीचे आपको जो मतलब कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है उनका भी बयान बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, यहां पर जो कुलपति है प्रोफेसर PC त्रिवेदी, यहां पर देख सकते हो परसेंटेज के आधार पर ही प्रवेश। हम तो पहले से ही UGPG में एंट्रेंस टेस्ट से ही प्रवेश कराना चाहते हैं, कोविड में यह संभव नहीं है, परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन कर सकते हैं। इसी के बाद दोस्तों डॉक्टर संजीव सिंगल, यानी शिक्षाविद और BEd कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर देख सकते हो CBSE और RBSE दोनों ही बोर्ड में 12वीं का परिणाम अधिक रहा है, इस बार कट ऑफ अधिक रहना तय है, सरकार को ऐसे बदलाव करना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न हो, डॉक्टर संजीव सिंगल शिक्षाविद और BEd कॉलेज प्रिंसिपल। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर 4 साल का जो आंकड़ा है किस प्रकार से आपकी परसेंटेज जा रही है वो देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर 2018 के लिए देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि 89.87 गई थी, 91.93% गई थी, 87.78% गई थी, जो भी संकाय कला कॉमर्स विज्ञान वर्ग के जो भी स्टूडेंट थे। इसी प्रकार 2019 के लिए देख सकते हो 88.66 गई थी, 92.6 गई थी, 94.54% गई थी सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी संकाय कला कॉमर्स विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए। इसी प्रकार आप 2020 के लिए देख सकते हो 91.17 गई थी, 94.96 गई थी और 93.92 गई थी। और आप देख सकते हो दोस्तों 2021 के लिए, यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर 99.99% जाने वाली है और 99.73% जाने वाली है और 99.62% जाने वाली है, यानी कि दोस्तों आपकी बार जो आपकी परसेंटेज जाने वाली है वो बहुत ही हाई जाने वाली है, जिससे आपको एडमिशन लेने में भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है आप सभी को। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, इधर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पहली सूची से ही मारामारी तय है, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे प्रदेश में सरकारी यूनिवर्सिटी 27, प्रदेश में निजी यूनिवर्सिटी 51, सरकारी कॉलेज सामान्य शिक्षा 311, प्राइवेट कॉलेज सामान्य शिक्षा 1860, और इसी प्रकार दोस्तों सरकारी कॉलेजों में सीट प्रदेश यहाँ पर देख सकते हो 1,91,271 और राजस्थान यूनिवर्सिटी सीटें 7,000। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि 7,000 सीटें हैं और कम से कम 1,00,000 फॉर्म लगेंगे, तो जिससे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी आपके एडमिशन की। इसी के बाद आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, जैसे कि और भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसी के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़कर बताता हूँ। कोरोना के कारण इस बार 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, हालांकि 12वीं के रिजल्ट की वजह से इस बार कॉलेज में प्रवेश का गणित बिगड़ गया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही बार 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक हासिल की है, CBSE के परिणाम में भी यदि यही स्थिति है, ऐसे में कॉलेजों में प्रवेश को लेकर माथा पच्ची तय है, क्योंकि प्रदेश के सरकारी कॉलेज में 1.91 लाख सीटें ही है, जयपुर शहर के स्कूलों के परिणाम को देखा जाए तो करीब 25-30% विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक और करीब 8-10 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।